ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरफेस बनाते हैं, ठीक है। मैं एक इंटरफेस बनाता हूँ, इंटरफेस ड्रॉएबल, ठीक है। ड्रॉएबल मैंने बनाया, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, मैं एक वॉइड ड्रॉ, ड्रॉ नाम का एक यहाँ पे मेथड डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो इंटरफेस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, डेमो इंटरफेस, ठीक है। और इस डेमो इंटरफेस नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव मैं करूँगा जावा BCA3 के अंदर, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेमो इंटरफेस डॉट जावा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक इंटरफेस बनाया ड्रॉएबल, और उसके अंदर वॉइड ड्रॉ नाम का हमने एक मेथड डिक्लेयर कर लिया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट है, ठीक है। हमने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया इसका। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक फाइनल एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट होगा। हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार देखते हैं कि हम लोग लिखे हैं तो क्या होगा, नहीं लिखे हैं तो क्या होगा, ठीक है। मैं इसको फिलहाल के लिए हटा दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको फिलहाल के लिए हटा दिया यहाँ से, ठीक है। अब मैं दो क्लास बनाता हूँ यहाँ पे, क्लास सर्कल, ठीक है। क्लास सर्कल मैंने बनाया, और एक क्लास रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल मैंने बनाया, ठीक है। अब इस दोनों क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो ये वॉइड ड्रॉ है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंट करने से पहले हम लोग को इस इंटरफेस को इस सर्कल में क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इम्प्लीमेंट्स ड्रॉएबल, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स ड्रॉएबल, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ओवरराइड करेंगे, जो ड्रॉ हमने मेथड डिक्लेयर किया था इस इंटरफेस में, इसको क्या करेंगे, हम लोग ओवरराइड करेंगे, ओवरराइड, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा दिस इज सर्कल, ठीक है। दिस इज सर्कल मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब सेम वैसे ही मैं रेक्टेंगल में भी करता हूँ, यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, ठीक है, किसमें, रेक्टेंगल में। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स ड्रॉएबल, ड्रॉएबल हम लोग यहाँ पे कर लिए। और सेम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वॉइड ड्रॉ हम लोग ओवरराइड करेंगे। तो मैं लिखूंगा वॉइड DRAW, और स्टेप को ब्रैकेट हम लोग लगाएंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे दिस इज रेक्टेंगल, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों में ओवरराइड कर दिए हम लोग इसको, यहाँ पे भी ओवरराइड कर दिए और यहाँ पे भी ओवरराइड कर दिए। दोनों में हम लोग अलग अलग लॉजिक यहाँ पे लगाए हैं, अलग अलग स्टेटमेंट्स यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक बार मैं सर्कल का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और एक बार
रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, CIR CLE सर्कल, C1 इक्वल टू न्यू सर्कल। ठीक है, C1 डॉट क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ। ठीक है, रन करने के लिए हम लोग कमांड में चले जाएंगे, CMD। ओके, यहाँ पे लिखेंगे CD \E और यहाँ लिखेंगे JavaBCA, सॉरी CD जावा BCA3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है डेमो इंटरफेस, मैं लिखूंगा जावा सी डेमो इंटरफेस। डॉट जावा, मैं इसको कर दिया कंपाइल। ठीक है, सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, मैं इसको करूंगा रन। यहाँ से लिखेंगे हम लोग जावा डेमो इंटरफेस। ओके, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा पब्लिक, लिखना पड़ेगा पब्लिक। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल होता है, तो यहाँ पे भी हम लोग को पब्लिक ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ ओवरराइट करते हैं और यहाँ पे हम लोग कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे नहीं देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या रहता है, डिफॉल्ट होता है, और डिफॉल्ट होगा तो हम लोग उसको यहाँ डिक्लेरेशन के समय पे वो पब्लिक है, तो यहाँ पे भी हम लोग को पब्लिक ही देना पड़ेगा, एक्सेस मॉडिफायर हम लोग वहाँ चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो सिग्नेचर यहाँ पे अवेलेबल होगा सेम सिग्नेचर हम लोग को यूज करना है चाइल्ड क्लास में। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सिग्नेचर उसका चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, वैसे ही मैं सर्कल सॉरी रेक्टेंगल का बना लेता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल R1 इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। ओके, R1 डॉट क्या लिखेंगे, ड्रॉ। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, मैं इसको कंपाइल करता हूँ और इसको रन करते हैं। तो दिस इज सर्कल, दिस इज रेक्टेंगल, यहाँ पे हम लोग को आउटपुट में देखने के लिए मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या किया, एक इंटरफेस को हमने इम्प्लीमेंट किया है दो अलग अलग क्लास, क्लास सर्कल में इम्प्लीमेंट किया है और क्लास रेक्टेंगल में भी इम्प्लीमेंट किया है। जहाँ जहाँ हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जिस क्लास में भी हम लोग इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, वहाँ पे हम लोग को इस डिक्लेरेशन का डेफिनेशन हम लोग को देना पड़ेगा। जो मेथड हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं उसका हम लोग को यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा।
इम्प्लीमेंटेशन देना बहुत ज़रूरी है। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं देंगे तो हम लोग को एरर देखने के लिए मिलेगा। मान के चलो मैं इसको यहाँ कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, मैंने इसको कर दिया कमेंट। अब देखते हैं कि क्या हम लोग को यहाँ पे कंपाइलेशन के समय देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ एरर हम लोग को देखने मिल रहा है। एरर क्या है? सर्कल इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड ड्रॉ इन ड्रॉएबल। ठीक है, सर्कल क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल क्लास है। नॉर्मल क्लास में किसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है? ड्रॉएबल नाम के इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग को एरर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। सर्कल इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवर राइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड ड्रॉ, मतलब सर्कल क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, और इस ड्रॉ को ओवर राइड भी नहीं किया है, ठीक है। तो हम लोग को ओवर राइड करना नेसेसरी है यहाँ पे। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कंपाइल टाइम एरर आएगा और हम लोग का जो भी प्रोग्राम है वो रन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से कमेंट हटा देता हूँ, ठीक है, मैंने कमेंट हटा दिया। अब इसको हम लोग वापस से रन करते हैं तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा और रन किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक फाइनल, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल एब्स्ट्रैक्ट मैंने लिखा। और यहाँ पे वापस आते हैं हम लोग और यहाँ फिर से एक बार कंपाइल करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या एरर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। मॉडिफाई फाइनल नॉट अलाउड हियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्लास को सिंपल क्लास बनाए हैं, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, अलग से कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है, तो हम लोग को इस क्लास को भी क्या बनाना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हम लोग को एरर देखने के लिए मिला है, सर्कल इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवर राइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड ड्रॉ, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट जो है वो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट क्या करता है, उसमें यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक फाइनल को ऐड कर देता है, ठीक है। मैं इसको यहाँ सेव करता हूँ और इसको फिर से एक बार हम लोग कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, मेथड को हम लोग फाइनल नहीं बनाते हैं क्योंकि उसकी लॉजिक्स चेंज होते हैं, इसलिए हम लोग उसको फाइनल नहीं बना सकते। अगर हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं इंट, तो यहाँ पे मान के चलो कोई भी मैं लिख लिया, जैसे नम इक्वल टू 500, ठीक है, तो इसको हम लोग पब्लिक स्टैटिक फाइनल यहाँ पे बना सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक फाइनल, ठीक है, इसको हम लोग बना सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, और कहीं पे भी हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पब्लिक स्टैटिक फाइनल होता है, जो भी हम लोग वेरिएबल्स बनाएंगे उसका एज ए कॉन्स्टेंट हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, समझ में आया। इंटरफेस बैंक, ठीक है, ठीक है, जैसा हमने एक और प्रोग्राम बनाया था, ठीक है, हायरार्किकल इंटरफेस का, वैसे ही हम लोग यहाँ पे सेम बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ वॉइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और यहाँ सबसे पहले एक क्लास बनाता हूँ, क्लास डेमो बैंक, ठीक है, किसी क्लास के नेम से मैं इसको सेव कर देता हूँ।
इसकी कोई डेमो बैंक नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ, डेमो बैंक डॉट जावा। ठीक है, डेमो बैंक डॉट जावा से मैंने इसको सेव कर दिया। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं दो क्लास बना रहा हूँ, क्लास आई सी आई सी आई, ठीक है, और एक क्लास बनाता हूँ क्लास एस बी आई। ठीक है, दोनों में इसको क्या करूँगा, मैं ओवरराइड कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं प्रिंट करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देंगे हम लोग, प्रिंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रिटर्न टाइप डालते हैं फ्लोट, ठीक है, और हम लोग यहाँ रिटर्न करते हैं वैल्यू को। ठीक है, रिटर्न जैसे कि 9.05, ठीक है, फ्लोट वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, फ्लोट देना पड़ेगा। ठीक है, सेम इसको कॉपी करता हूँ, एस बी आई में भी पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, एस बी आई वैसे ही कम देता है, 7.9 ऐसे कुछ हम लोग वैल्यूज दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग ए आर जी एस, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस आई सी आई से मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ बैंक को। ठीक है, इम्प्लीमेंट बैंक, ठीक है, और सेम इम्प्लीमेंट हम लोग कर देंगे एस बी आई में भी। ठीक है, दोनों में इम्प्लीमेंट कर दिए, मतलब यहाँ पे जो मेथड हमने बनाया है वो क्या है, ओवरराइड हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी जो मेथड बना है वो ओवरराइड हुआ है। ठीक है, ओवरराइड हुआ है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ बैंक बी वन इक्वल टू न्यू आई सी आई सी आई। ठीक है, रेफरेंस हम लोग बैंक का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसा हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते थे, वैसे ही इसका ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं बना सकते, लेकिन रेफरेंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे मैं देता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस बी वन डॉट, क्या लिखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इस प्रकार का हम लोग ने यहाँ पे लिख लिया, और मैं इसको करता हूँ सेव। ठीक है, मैंने इसको किया सेव, देन उसके बाद यहाँ पे किया मैंने नाइन पॉइंट जीरो फाइव हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है।